आपने एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के बारे में सुना होगा। तुनिशा शर्मा के केस आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। इन्होंने आत्महत्या किया। कहा जाता है कि आत्महत्या सभी समस्याओं का समाधान नहीं है, सभी समस्याओं का अंत नहीं है, बल्कि अपनी अपनों के लिए समस्याओं का प्रारंभ होता है। तो जिस प्रकार से तुनिशा शर्मा ने अपनी आत्महत्या की, उस आत्महत्या के पीछे कई सारे कारण को ढूंढा जा रहा है। उनको पोस्टमार्टम किया गया तुनिशा शर्मा को, और उसके साथ साथ उनके जो बॉयफ्रेंड रह चुके हैं सहीज खान को भी पुलिस ने अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद उनसे जांच पड़ताल चल रही है, उनसे पूछताछ चल रही है कि आखिर इस आत्महत्या के पीछे की कहानी क्या थी, क्या आत्महत्या के पीछे, क्या तुनिशा शर्मा को आत्महत्या करने के लिए किसी ने उकसाया था, या फिर उन्होंने स्वयं अपने आप को आत्महत्या कर लिया। कहा जाता है ये भी कि आत्महत्या कायरता नहीं है और ना ही बहादुरी होती है, क्योंकि उस आत्महत्या के पीछे एक कहानी होती है, एक तरीके से एक आप कह सकते हैं उस कहानी के पीछे की राज को जानने की कोशिश पुलिस कर रही है। तो हम समझेंगे कि आखिर इस आत्महत्या के पीछे की कहानी क्या है, आत्महत्या के लिए किसे उकसाया गया। तो ये कहानी तो अभी चल रही है, हालांकि इसमें कहा गया कि तुनिशा शर्मा डेथ मर्डर या सुसाइड, तुनिशा शर्मा को हुआ पोस्टमार्टम, धारा 306 के तहत सिजान खान को गिरफ्तार किया गया, धारा 306 के तहत सिजान खान को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब हम इस संदर्भ को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस सुसाइड के पीछे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, क्या वास्तविक रूप से सिजान ने तुनिशा शर्मा को सुसाइड करने पर मजबूर किया या उसे उकसाया। अगर ऐसा किया तो संविधान में इसका क्या प्रावधान है, आईपीसी इंडियन पिनल कोर्ट में इसका क्या प्रावधान है, किस प्रकार की सजा होती है, इन सभी चीजों के संदर्भ में हम यहां पर बात करेंगे। सो व्हाट इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, आखिर ये क्या है, इसकी पूरी जानकारी को हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां से, प्रश्न ये है कि व्हाट इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ये जो उकसाने वाली जो सुसाइड है, आत्महत्या है, आखिर है क्या, और आईपीसी 1860 के तहत इसका क्या प्रावधान है। तो इंडियन पीनल कोड 1860 कहता है कि अगर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए, एक तरीके से कह सकता है कि भाई ये पनिशेबल्स ऑफेंस है, एक कानूनन जुर्म है, एक ऐसा कानूनन जुर्म जिसमें आपको सजा मिल सकती है। तो हमारे आईपीसी इंडियन पीनल कोड की धारा 306 है ना, 306 सेक्शंस ऑफ 306 ऑफ इंडियन पीनल कोड इस बात को प्रिस्क्राइब करता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अगर सुसाइड करने के लिए उकसाता है, उसे मजबूर करता है, उसे गाइड करता है, मैनिपुलेट करता है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 10 साल की सजा और साथ में कुछ मनी फाइन दोनों एक साथ हो सकता है। अगर इफ एनी पर्सन कमिटेड सुसाइड हूएवर अवेट द कमीशन ऑफ द सब सुसाइड शैल बी पनिशेबल्स विद इन द इंप्रिजमेंट ऑफ आइदर इंप्रिजमेंट ऑफ द टर्म विच मे बी एक्सटेंडेड 10 years and shall be also liable to fine. और ये धारा किसके अंदर में है, सेक्शन 306 की बात करता है, 306 के तहत ये बातें कही जाती हैं। अब यहां पर बात कहा जाता है कि आईपीसी जो हमारा इंडियन पिनल कोड के अंदर में सेक्शन 108 के तहत जितने भी एबेटर हैं, जिन्होंने एबेटमेंट किया है, जिन्होंने उकसाया है, चाहे मर्डर करने से संबंधित हो, सुसाइड करवाने से संबंधित, या किसी प्रकार का उकसाने की बात है, उसके लिए हमारे आईपीसी ने स्पेशल चैप्टर बनाया है और उसका स्पेशल सेक्शन है 108, और उसमें अबेटमेंट को डिफाइन किया है। उसमें डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया है उन्होंने, अबेटमेंट को यह डिफाइन किया कि अबेटमेंट इज डिफाइंड एज इंक्लूडिंग इंस्टिगेटिंग एंगेजिंग इन द कंस्पायरेसी और असिस्टिंग टू कमिटिंग अ ऑफेंस, एक तरीके से षड्यंत्र बनाने का कंस्पायरेशन हो सकता है, उसको गलत तरीके से उकसाने की बात की जा सकती है, या फिर किसी तरीके के कंस्पायरेसी में संलग्न होने की बात ये अबेटमेंट कहता है, सेक्शन 8 ये बात कहता है। अब आपके एक सवाल यहां पर उत्पन्न होता है कि क्या सच में हमारा जो उकसाने का अपराध कितना गंभीर हो सकता है, हाउ सीरियस इज द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, उकसाने का अपराध कितना सीरियस है। तो बता दें कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो है एक सीरियस ऑफेंस है, जो एक आप कह सकते हैं कि कोर्ट के द्वारा एक कॉग्निजेबल्स और नॉन बिलेबल्स और नॉन कंपाउंडेबल्स आपको सजा मिल सकती है। अब इस टर्म को समझना होगा
कि ये cognizable क्या है, नॉन बिलेबल्स क्या है और नॉन कंपाउंडेबल्स क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है। सो cognizables की बात है, cognizables ऑफेंस का मतलब होता है कि पुलिस आपको बिना कोर्ट के वारंट लिए हुए, आपको पता होगा कि कोई व्यक्ति जब गिरफ्तार होता, आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा, आर्टिकल 20 पढ़ा होगा, आर्टिकल 22 पढ़ा होगा, इन सभी से संबंधित बात करता है। तो ये कहता है cognizables ऑफेंस ये कहता है कि पुलिस बिना किसी वारंट के, कोर्ट के बिना परमिशंस को आपको गिरफ्तार कर सकती है, ये cognizables ऑफेंस है। जो कि इस केस में आपका, आपको देखने को मिला है कि उनके बॉयफ्रेंड को उन्होंने गिरफ्तार किया पुलिस ने। दूसरी बात, नॉन बिलेबल्स ऑफेंस का मतलब होता है कि आपको बेल इज ग्रांटेड टू एक्यूज एट द डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट, नॉट टू मैटर ऑफ राइट। अब आपको जो बेल मिलेगा ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये नॉन बिलेबल आपका बिलेबल्स ऑफेंस है, मतलब बेल इज ग्रांटेड, बेल हो सकता है, और ये एक्यूज को बेल हो सकता है एट द डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें राइट क्या है और सही क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा होता है नॉन कंपाउंडेबल्स ऑफेंस का मतलब होता है कि इज अ विच दैट केस कैनॉट बी विड्रॉ बाय द कंप्लेंट इवन व्हेन द कंप्लेंट एंड अक्यूज हैव टू रीच टू कॉम्प्रोमाइज। मतलब ये हुआ यहां पर नॉन कंपाउंडेबल का मतलब कि मान लिया दो लोगों के बीच में कोई व्यक्ति ए ने बी पर केस किया है ना, लेकिन आपस में ये दोनों कॉम्प्रोमाइज करके उस केस को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वो मुद्दा चलेगा, वो कोर्ट में बहस चलेगी, इस पर कार्रवाई होगी जब तक ये फाइनल क्या है। तो इस मर्डर केस में भी यही बात आती है कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब ये हुआ कि केस कैनॉट बी विड्रॉ बाय द कंप्लेन, जिसने कंप्लेन किया है उसके द्वारा केस विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। अगर आपने उस कंप्लेनर और जो आपने एक्यूज के बीच में अगर समझौता हो जाती है उसके बावजूद भी आप केस को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो है क्या है, एक तरीके का आप कह सकते हैं कॉग्निजेबल्स है, नॉन बेलेबल्स है और नॉन कॉम्पाउंडेबल्स आपका है। इससे पहले कई सुसाइड, आपने सुशांत सिंह राजपूत का केस आपने देखा, आपने निर्भया, आपने मर्डर केस हाल फिलहाल की जो श्रद्धा मर्डर केस है उसके केस में भी आपने देखा होगा, और यहाँ पर एक सुसाइड के केस आपको देखने को मिला एक्ट्रेस के बारे में। अब सवाल यहाँ पर एक और मन में उत्पन्न होना चाहिए कि हाउ सीरियस टू ऑफेंस, ये चीज़ें तो आपने देख लिया, अब नाउ यहाँ पर ये समझिए कि इसके लिए हमारे में क्या प्रावधान है आईपीसी के अंदर में। सो इज अबेटमेंट सुसाइड दैट सेम एज ए मर्डर, क्या आत्महत्या के लिए उकसाना हत्यारा के समान है, हत्या के समान है? अब ये प्रश्न होता है कि भाई जिसने आत्महत्या के लिए उकसाया क्या ये मर्डर की ही तरह है, आत्महत्या के लिए उकसाना हत्या के समान है क्या? इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड द सेम एज ए मर्डर? तो यहां पर जवाब आपको मिलता है कि नहीं, है ना, मर्डर और अबेटमेंट दोनों एक नहीं हो सकता, इट इज नॉट सेम लाइक अ मर्डर, ये मर्डर की तरह सेम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लेरिफाई किया था 1997 में जब आपका सनग्राबोनिया श्रीवा और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के बीच में जब केस और मैटर आया था। अब इस डिस्पाइट ऑफ इंटेंशंस ऑफ द एक्यूज, है ना, इसके बावजूद भी डिराइव अ पर्सन टू कमिट अ सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इज नॉट सेम लाइक अ मर्डर। भले ही आपका इंटेंशन था कि उस व्यक्ति को मारने के पीछे आपका इंटेंशन था, लेकिन हत्या तो आपने नहीं किया, तो इसीलिए अबेटमेंट को कभी आपके मर्डर के बराबर नहीं समझा जाता है। आप मतलब आत्महत्या के लिए उकसाना हत्या के समान नहीं हो सकता है, चाहे अगर क्यों भी। तो इस केस में आप मर्डर कहते हैं, इन द केस ऑफ अ मर्डर द फाइनल एक्ट जो होगा डेथ ऑफ द पर्सन कमिटेड बाय द एक्यूज विच इज नॉट अ केस ऑफ अबेटमेंट ऑफ द सुसाइड। तो ये बातें इसके अंदर में चलती है, बाकी देखते हैं, धीरे धीरे आपका सारा मामला आपको देखने को मिलेगा, न्यूज आते रहेंगे जब तक कि न्यूज शांत नहीं हो जाता। कुछ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो भी है आसपास का जो भी कोर्ट है, आपका क्या जजमेंट आता है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, इन सभी चीज़ों पर आगे हम देखते हैं। ये था हमारा इससे संबंधित और संविधान और आपके आईपीसी से संबंधित कुछ मुद्दे पर बात। सो बाकी मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलते हैं आपके। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप शेयर करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। सो थैंक यू वेरी मच।